हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो कि चंद्रकला की है और ये ना पटना में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको हर दुकान पे, मिठाई की दुकान पे मिल जाएगा। बहुत टेस्टी लगता है, इसके अंदर खोआ भरा हुआ होता है और आप देख सकते हो मैंने कितना सुंदर से इसे बनाया है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। घर में रखे चीज़ों से हम इसे बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। आप ये मतलब भी इसको ना आप बनाओगे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप एक बार ज़रूर से अपने घर पे ट्राई करिएगा मेरे रेसिपी के साथ, क्योंकि मैं ना बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और बनाते भी बहुत ही मतलब इजी तरीके से हूँ। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है मैदा जो कि 250 ग्राम है और इसके बाद हम डालेंगे इसमें घी। घी आप इतना ही डालिए जितना मतलब जिससे कि अच्छे से इसमें मैन हो जाए। अब आपके पास जितना मैदा है ना उस हिसाब से आप डालिएगा, नहीं तो क्या होता है कि मैं क्वांटिटी में बता दूं और फिर आप मतलब थोड़ा ज़्यादा बना रही हैं या कम बना रही हैं तो वैसे में अच्छा नहीं होता है। आपको मैं दिखा देती हूँ, घी डाल के ना आप इसको हाथों से अच्छे से मसल मसल के ना मैन कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना ऐसे हम हाथों से मसल मसल के मैन करते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा खस्ता बनता है। कुछ लोग ना मैन का मतलब ये समझते ना कि इसमें आप घी डाल दो और मिला दो बस हो गया, नहीं। आपको घी डाल के हाथों की जो चुटकी होती है ना इससे अच्छे से इसको मसलना है, तब जाके इसका पूरा अच्छे से खस्ता बनता है और बहुत ही टेस्टी ये बन के रेडी होता है। आप देख मतलब ये देखिए ये अच्छा से हो गया था, मैंने मुट्ठी बांधा ना तो ये बहुत ही अच्छा से बन गया था। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको सान लेंगे। हम जैसे आटा सानते हैं ना बिल्कुल वैसे इसको भी सान के रख लेंगे और सख्त सा आटा सानेंगे इसका, हम मतलब नरम नहीं सानेंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि बाद में ना और ज़्यादा नरम हो जाएगा ये, इसलिए आपको आप ना इसे थोड़ा सा कड़ा ही गूंथिएगा। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, नहीं तो पानी कभी ज़्यादा भी हो जाता है इसलिए। और इसको हम अच्छे से सान लेंगे, जैसे पूरी के लिए खस्ता पूरी के लिए जो आटा सानते हैं ना बिल्कुल वैसे ही हम इसे सान लेंगे और सान के कपड़े से ढक के और इसे हम रख देंगे। फ्रेंड्स आप ना एक बार ये वाली मिठाई बनाइएगा ना मेरी रेसिपी के साथ जैसे मैं बनाती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप एक बार बना के ज़रूर से देखिएगा। और मेरे घर के पास ना जहाँ पे पटना में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे पास में ही एक हलवाई का दुकान है, तो मैं वहीं से मतलब जो भी मुझे हलवाई वाली रेसिपी शेयर करनी होती है आप लोगों से तो मैं वहाँ जा के देख के फिर आती हूँ और पहले अपने घर पर ट्राई कर लेती हूँ फिर आप लोगों से बताती हूँ। मतलब ऐसा है, नहीं तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वहाँ देख के आके फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। और उसको आटा को सान के हमने रख दिया और यहाँ पे मैंने ले लिया है पनीर। 1 किलो दूध को मैंने फाड़ा था, उसको ना अच्छे से छान लिया था, पानी उसका सारा निकाल दिया था। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया 1 चम्मच घी और उसके बाद हम डाल देंगे अपना ये पनीर। और पनीर डाल के ना हम इसको भूनेंगे अच्छे से। और इसमें मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच चीनी, बहुत ज़्यादा चीनी इसमें नहीं डालेगा क्योंकि हमें चाशनी में डालना है अपने चंद्रकला को, तो इसलिए। और इसको अच्छे से हम चला चला के थोड़ा सा जब ब्राउन होने लगे ना तो हम इसको बंद कर देंगे, मतलब इतना अच्छे से भून देंगे कि थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगे ये। और ये देखिए ऐसे चला चला के भूनते रहेंगे। और इसमें ना सिर्फ हम इलायची डालेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे, फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे। इससे ना बहुत ही अच्छा खुशबू आता है इसका और बहुत मतलब टेस्टी लगता है हमारा जो चंद्रकला मिठाई है वो। और ये देखिए ये लगभग हो गया है थोड़ा सा, और इसे हम चला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा ये हो गया है और ये थोड़ा थोड़ा सा जो जला जला सा होता है ना थोड़ा ब्राउन ज़्यादा सा, उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और ये देखिए ये हमारा लगभग हो गया। मैं इसको गैस को बंद कर दी हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा चला ले रही हूँ मैं, क्योंकि कढ़ाई हमारा ज़्यादा गर्म है ना तो ये नीचे पकड़ने लगेगा इसलिए। और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी अब। और ये देखिए कितना सुंदर सा ये जो है जो खोआ जो तैयार हुआ है ना हमारा, इसमें भरने के लिए ना ऐसे वाले ही खोआ लेते हैं, मतलब पनीर का बनाते हैं, थोड़ा सा दरदरा सा टेस्ट आता है इसलिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक छोटे से बर्तन, मतलब कोई भी बर्तन ले लिया है और इसमें हम डाल देते हैं 250 ग्राम चीनी। 250 ग्राम चीनी मैंने डाला है और 1 गिलास पानी डाला है, छोटे गिलास से मैंने पानी डाला है। जो इलायची का बीज कूट के जो मैंने उसमें डाल दिया था ना अपने खोया में, उसी का जो छिलकुया होता है ना उसको मैंने डाल दिया इसमें। और थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया, ऑरेंज वाला फूड कलर, और डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको खोलने देंगे। जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना बिल्कुल वैसे ही चाशनी हम इसका बना लेंगे।
ना तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनानी है, ना ज़्यादा पतली बनानी है। नॉर्मल सी जैसे गुलाब जामुन वाली चाशनी होती है, बिल्कुल वैसी ही चाशनी हमें बना लेनी है इसको। ये देखिए थोड़ा देर खुला लेंगे और फिर हम इसको बंद करके और रख देंगे। ये देखिए लगभग हो गया है हमारा चाशनी भी। ये देखिए कैसा बना है, ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा ये, और इसको हम बंद करके रख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जो आटा है वो भी अच्छे से सेट हो गया होगा, ये देखिए। और इसको हम निकाल के और थोड़ा सा और सान लेते हैं इसको, हम इसको थोड़ा सा और सान लेंगे हाथों से दबा दबा के, तो आटा हमारा ज़्यादा अच्छा सा मतलब हो जाता है। ये देखिए कितना सख्त है, ना ज़्यादा सख्त है ना ही ज़्यादा नरम है, बहुत ही अच्छा से आटा हमारा तैयार हुआ है, मैदा ये हमारा बनने के लिए। यहाँ पे हम अपना छोटा छोटा सा लोइया काट लेंगे। ये देखिए छोटे छोटे लोइया काट के इसको हम, और आटे को जितना होता है ना उतना रख लेते हैं, और इसको हम बेलेंगे। बेलने के बाद ना हम इसका जो एक ग्लास ले लेंगे, मुझे ना मतलब इक्वल साइज़ में मैं पूरी नहीं बेल पाती हूँ, तो इसलिए मैंने ना एक ग्लास ले लेती हूँ या फिर कोई कोई चोड़ी ले लेती हूँ और उससे बड़ी सी रोटी जैसा बेल लेती हूँ और उसके बाद उसको ना कट कर लेती हूँ। तो वैसे मैंने बिल्कुल इक्वल साइज़ का जो है वो पूड़ी आ जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लोई ले लिया है, लेने के बाद मैं इसको बेल लूँगी। और फ्रेंड्स इस बात का ना ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपको ना बेलने के लिए ना मतलब जो पूड़ी आप बेलिएगा ना वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, बिल्कुल पतला वाला पूड़ी नहीं बेलिएगा, हल्का जो मोटा मोटा सा पूड़ी होता है ना वही बेलिएगा, बहुत ही उससे ना अच्छा खस्ता बनता है। ज़्यादा पतला करिएगा ना तो स्टफिंग भरने के बाद आप फ्राई करने के टाइम में ना ये थोड़ा सा फूट जाएगा या फिर उतना खस्ता अच्छा से नहीं बन पाएगा, पाक में डालने के बाद थोड़ा नरम हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा मोटा इसको बेलिएगा ना पूड़ी को, तो ये बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। ये पाक में डालने के बाद भी नरम नहीं होगा और टूटेगा भी नहीं हमारा ये फ्राई करते टाइम। ये देखिए, और यहाँ पे मैंने दो इक्वल साइज़ में पूड़ी ले ली है। अब इसमें हम डाल देंगे स्टफिंग और इसके बाद इसके ऊपर रख देंगे हम एक और पूड़ी ये वाली, और साइड से ना अच्छे से हम हाथों से चिटकी मतलब हाथों की जो चिटकी होती है ना उससे हम अच्छे से इसको दबा लेंगे। ये देखिए उंगलियों की मदद से बहुत अच्छे से दबाएंगे ताकि हमारा खुले नहीं, और इसको ना हम गूँ लेंगे। हमारे यहाँ ना ऐसे मतलब बनाने को गूँना बोलते हैं, ऐसे हाथों से जो हम कर रहे हैं ना वैसे, तो आपको आप भी ऐसा कर लीजिएगा, जैसे थोड़ा सा चिटकी में लीजिएगा उसको दबाइएगा और अंदर की साइड में से मोड़ दीजिएगा। ये देखिए कैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही आप भी कर लीजिएगा। और ये बहुत ही अच्छा, मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ कितना सुंदर सा बन के रेडी होता है। पहले ना मुझे भी ये बनाने नहीं आता था, तो मैंने बहुत सीखा फिर मुझे बहुत अच्छे से बनाने आ गया। और ये देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ, ये कितना सुंदर बना है ना। इसका नाम जैसे मिठाई का चंद्रकला है ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। वैसे मैं फिर से एक लोई लूँगी और उसका एक रोटी बेल लूँगी, जैसे रोटी बोलते हैं हल्का मोटा सा रोटी बेल लेंगे, और उसके बाद हम उसका पीसेस कट कर लेंगे ये से ग्लास से, और फिर मतलब पूरी कट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको रख के जैसे भरे थे ना वैसे ही भर के बना लेंगे। फ्रेंड्स मुझे ना मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं मोमोज़ की वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं बहुत टेस्टी मोमोज़ बनाती हूँ, लेकिन वो जो घूमने वाला काम होता है ना मोमोज़ का जो शेप होता है वो ही मुझे बनाने नहीं आता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे पिड़ुकिया बनता है ना बिल्कुल वैसे ही बना के और बना लेती हूँ, मतलब काम चलाने लायक बना लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ ना मैं वैसे ही मतलब बहुत प्रयास करती हूँ बनाने के लिए, बस टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। अब जैसे भी बनेगा ना टेढ़ा मेढ़ा जो भी बनेगा मैं आप लोगों के साथ एक बार ज़रूर से उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये देखिए फिर हम मैंने दूसरा ले लिया है और हाथों से दबा के फिर मैं इसको भी अच्छे से भर लूँगी। आपको ना मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है ना, कहीं भी मार्केट से आप लेके आओगे ना तो इतना साफ़ सुथरे तरीके से इतना ज़्यादा टेस्टी घी में तला हुआ ये आपको बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलेगा, और इतना ज़्यादा भरा हुआ मतलब कितना एक एक चम्मच भर भर के स्टफिंग इसमें हम भर रहे हैं। और जो हम लाते हैं ना होटल से वो बहुत मतलब हलवाई के यहाँ से मिठाई के दुकान से उसमें ना बहुत कम भरा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा भर देते हैं और ऐसे पूड़ी पूड़ी जैसा हो रहता है वो। लेकिन हम तो बहुत अच्छे से बना रहे हैं घर पे, तो आप भी एक बार ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगता है ये। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही होगी ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को
ये लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने कितना सारा बना के रख लिया है, कितना सुंदर दिख रहा है ना, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। और अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। जब तक ये वाला बैच हमारा फ्राई होगा ना, तब तक दूसरा भी हम बना लेंगे, क्योंकि इसको बना के हम ज़्यादा देर तक रखेंगे ना तो ऊपर का जो है ना वो सूख जाएगा और अच्छे से फ्राई नहीं होएगा, मतलब अच्छा नहीं बन पाएगा। यहाँ पे ना हम जो हमारा घी है ना बहुत कम गर्म है, बहुत मतलब आप देख सकते हो इसको डालने के टाइम में ना मतलब कितना छोटा छोटा सा बबल्स आ रहा है, बहुत ही कम गर्म है। और इसका फ्लेम ना बिल्कुल लो कर देंगे हम, बहुत ही मतलब ज़्यादा फ्लेम पे हम इसको नहीं बनाएंगे, बिल्कुल लो कर देंगे फ्लेम को और धीरे 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 हम इसे बनने देंगे। एक बैच को बनने में कम से कम 8 मिनट लग जाता है, 8-9 मिनट लग जाता है आपको, और फिर उसके बाद हम दूसरे वाला बैच को डालेंगे। ये देखिए, और ऐसे ही हम इसको बनने देते, देखिए कैसे कुछ देर हो गया इसको डालते हुए एक साइड से, तो कितना सुंदर से फुल फुल के ऊपर आ गया है। और फिर हम इसको पलट लेते हैं और पलटने के बाद हम दोनों साइड से ऐसे उलट पलट के बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए कि दोनों साइड से अच्छे से फूल गया। जब भी मैं वॉइस ओवर देती हूँ ना अपने वीडियो में, तब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, कहीं पे गाना बजने लगेगा, कहीं शोर होने लगेगा। अभी देखो, अभी देखिए आप लोग कि मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मेरे घर के बगल में कितने सारे कुत्ते बोल रहे हैं, आपको सब सुनाई दे रहा होगा। मतलब जब भी मैं वॉइस ओवर दूंगी ना तब ऐसा होना ही होना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन है ना, तो मैं छत पे आके दे रही हूँ, क्योंकि घर में कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो उन सारी चीज़ों की आवाज़ आती रहता है। और छत पर मैं आके दे रही थी तो यहाँ कुत्तों के रोने की बोलने की आवाज़ जो है आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, वो हमारा हो गया था, तो मैंने उसको निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है दूसरा वाला बैच हमारा, ये भी धीरे धीरे फ्राई होते रहेगा, तब तक हम इसको डाल देते हैं चाशनी में। ये देखिए कितना सुंदर से ये बन के रेडी हुआ है। और फ्रेंड्स हमारी चाशनी भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया था, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स मैंने ना कम चाशनी इसलिए बनाया ना, नहीं तो जो बच जाता है ना तो वो बेकार होता है, मतलब बच जाता है उसको रखना पड़ता है स्टोर करके, तो इसलिए मैंने कम ही चाशनी बनाया है। और इसको हम अच्छे से, इसमें ज़्यादा चाशनी लगता भी नहीं है, इसको हम ऐसे डुबो डुबो के और निकाल के रख लेंगे, मतलब डुबो डुबो देंगे ऐसे, और जब तक हमारा दूसरा बैच तैयार नहीं होता ना बस उतना ही देर तक हम इसको रखेंगे ऊपर में, नहीं तो फिर हम इसको रख देंगे, निकाल लेंगे, मतलब जितना देर, मतलब 8 मिनट मान के चलिए, 8 मिनट हमको उस वाले बैच को बनने में लगेगा, तब तक इसको हम ढक के रख देते ताकि अच्छे से मतलब चाशनी को अच्छे से सोक कर ले। और ये बिल्कुल हो गया है, आप इसे कांच के बर्तन में निकाल के रख लीजिए और स्टोर करके रख लीजिए, बहुत 10-15 दिन तक आराम से चल जाता है, ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। और बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये चंद्रकला बन के रेडी हो गया। आप कलर देखिए इसका, कितना सुंदर कलर आया है, शेप भी कितना सुंदर है और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी हुआ है, तो आप भी अपने घर पे एक बार ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो में क्या चीज़ का आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कौन सी मिठाई का या फिर किस चीज़ का शेयर करूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये दिख रहा है और मैं ना उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और ये देखिए बहुत टेस्टी सा हमारा बन के रेडी हो गया है। और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बनाइए खाइए। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख रहे हो कितना चाशनी अंदर तक भर गया है और अभी ये बहुत गर्म है, अभी अभी मैंने बनाया है और ये देखिए कितना अंदर तक भरा है ना पूरा चाशनी से, और बहुत ही टेस्टी सा बन के रेडी हो गया है। आप भी बनाइए खाइए और अपनी एक्सपीरियंस हमसे शेयर ज़रूर से करिएगा कि आपने बनाया तो आपका कैसा बना है, और मेरा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।